गाइस, करीब पिछले 3 साल से हम सब देखते आ रहे हैं, किया ने जो अपनी सेल्टोस निकाली है वो कुछ उसमें ज़्यादा डिफरेंस इतना किया नहीं है। स्टार्टिंग में लोगो कुछ अलग था और अब कुछ जाकर के लोगों का हल्का सा बदलाव किया है, बाकी कंप्लीटली गाड़ी वही कुछ आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अंतराल लगा 3 साल का, इस दौरान अब है जो फेसलिफ्ट आ रहा है किया सेल्टोस का, और जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो वाकई काबिले तारीफ के हैं, क्योंकि जो फीचर्स वगैरह आ रहे हैं वो तो पहले वाली किया में भी गजब के थे और इस वाली किया सेल्टोस में भी गजब के फीचर आने वाले हैं। तो हम डिटेल वाइज बात करेंगे किया सेल्टोस की, जो रिलीजिंग हो चुकी है, लीकेज वगैरह आपके सामने है, ये हो चुकी है, एंड जो आउट ऑफ कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पर ये किया की सेल्टोस गाड़ी को आउट कर दिया है। सो हम देखते हैं, इंडिया में भी शायद हो सकता है कि दीपावली की समथिंग, या फिर कह सकते हो कि जनवरी के समथिंग अपने को ये नेक्स्ट ईयर देखने को अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। उससे पहले नई किया सेल्टोस में अपने को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे क्या नहीं, उन्हीं की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पीछे की तरफ आप देख सकते हो, पहले वाले जो किया में था, सेम पीछे डी वाइपर और डी फोगर, स्पॉइलर और इस तरह का जो शार्क एंटीना, और वही रूफ रेल्स और ब्लैक रूफ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो इसमें चेंज किया है वो पीछे की तरफ जो इसकी टेल लैंप देख सकते हो, कितने बड़े बड़े, कितने प्यारे प्यारे, शानदार तरीके के लग रहे हैं। और फाइनली अगर मैं मेरा बताऊँ, मेरा खुद का अगर कैलकुलेशन निकालूँ तो मुझे रियर व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी गाड़ी का जो लुक है पीछे की तरफ से बहुत ही बोल्ड और बिल्कुल सेक्सी सा लुक इसका निकल करके आ रहा है। नीचे की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी जो इसमें बिल्कुल ब्लैक कलर की पट्टी दी हुई है, उसके नीचे सिल्वर कलर की आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं, जो रिफ्लेक्टरों की जो एक तरह से जो डिजाइन दी है ना, वो काफी ब्रांड और काफी गजब यूनिक तरीके के इन्होंने दी है। तो मानिए दोस्तों, ये तो इसका पीछे का लुक था। अब अगर आप धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे तो हम उसमें अपने को और भी कुछ सारी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी आप भी पिक्स में देख रहे होंगे, फोटोज में देख रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको पीछे से क्या लग रहा है, कैसी गाड़ी आने वाली है, और डेफिनेटली आउट हो चुकी है, सेम ऐसी ही आएगी। हाँ, हल्की फुल्की चेंज हो सकती है, जो कि शायद इंटीरियर में होगी या बाहर, शायद एक्सटीरियर में तो कुछ भी इतना बदलाव नहीं आने वाला, जो कि अपने इंडिया में आएगी गाड़ी उसके बारे में। और आगे की तरफ अपन इसमें चलते हैं इंटीरियर में, तो आपको दोस्तों इसमें वेंटिलेटेड सीटें इसमें देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें इस बार देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड में मतलब कह सकते हैं कि ड्राइवर साइड की जो स्टेयरिंग है इसमें, अपने इंडिया में तो राइट साइड में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है। तो इससे सब साफ पता लग रहा है कि ये गाड़ी यहाँ की नहीं है, एंड ये गाड़ी आउट ऑफ इंडिया की है। सो बाहर की जो कंट्रीज, यूएसए वगैरह है, वहाँ पर इस तरह की रोडों में कुछ नियम्स रूल्स ये होते हैं। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा बड़ा सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलने वाला, जो कि सेम अपने को महिंद्रा XUV700 के जैसा अपने को देखने को मिलेगा। ब्लैक और ब्राउन कलर के इसमें आपका डैशबोर्ड इसमें मिलने वाला है। साथ ही अपर देखें इसमें, इसमें इस बार कलर्स भी काफ़ी प्यारे आने वाले हैं। सीटों का कलर भी सेम इसके जैसे रखा गया है, जैसे कि आप डैशबोर्ड में देख सकते हो। और जो सिस्टम है इसमें, टू कप होल्डर आपको इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों देख सकते हो, ये शायद टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको जो पार्किंग ब्रेक होता है वो कि मैनुअल नहीं, उल्टा होकर के बटन या इस इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हो, और इसमें कई सारे फंक्शंस वगैरह जो मतलब एक तरह से एसी के इवेंट्स वगैरह, वो भी काफ़ी बिल्कुल स्लिक से और प्यारे से डिजाइनिंग के साथ में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इधर की तरफ से आप देख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें टेक्सचर कुछ अलग से तरीके से देखने को मिल जाता है। वही सेम इसमें गजब तरीके की फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो इसमें सीटें वगैरह वो आपको लेदर फिनिशिंग के साथ में इसमें देखने को मिलेगी। बीच में जो एक ऑटो कंट्रोल का जो सिस्टम है, गियर नॉब्स वगैरह, वो बिल्कुल गजब तरीके के हैं, क्योंकि शायद ऑटोमेटिक मोड में, तो आपको इसमें पार्किंग, नोटल और ड्राइविंग का जो मोड रहेंगे वो आपको डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड इधर की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको इस बार एम्बियन लाइट्स भी मिलने वाली है, और एम्बियन लाइट दोस्तों इस बार स्पीकर्स में भी आपको देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि स्पीकर्स में साथ साथ ये हो सकता है कि बीट के ऊपर सेम अपनी झलक जो दिखाती है, कि उनकी जो चमक दमक जो होती है बीट के हिसाब से, बीट के अकॉर्डिंग ये गाड़ी जो एम्बियन लाइट्स है वो अपना कुछ करतब दिखाए, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग ये चले। बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीटें आ चुकी है, तो काफ़ी बढ़िया बात बन जाती है। अपन किया की सेल्टोस की बात करें तो किया सेल्टोस की हर कोई दुनिया इसकी दीवानी है। पुश स्टॉप और स्टॉप का बटन इसमें हमेशा से रहा है, वही चारों पावर विंडोज मिलने वाली है। और स्टेयरिंग थोड़ी अजीब सी लगी है मुझे, हालांकि ब्लैक पियानो और हल्की सी लाइनिंग दी हुई इसमें सिल्वर कलर की। बाकी नीचे की तरफ से अगर फ्लैट बॉटम अगर इसमें होती तो वो और भी शानदार लगती, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी स्टेयरिंग है जो कि गोल दे दी है। हो सकता है कि इंडिया में अपने को यहाँ पे कुछ अलग तरीके की देखने को मिल जाए। पूरा का पूरा इसका जो MID है वो भी बिल्कुल पूरा का पूरा अपने को बिल्कुल डिजिटल मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी
बात बन जाती है वो भी। आगे की तरफ हम देखते हैं तो फ्रंट लुक से गाड़ी का ये लुक रहने वाला, और दोस्तों गजब बता रहा हूँ, वास्तव में काफ़ी शानदार लगने वाली है गाड़ी। वही है कि ये गाड़ी मतलब हो सकता है कि अगर अभी लॉन्च कर दे तो ये ब्रेजा को मात दे सकती है, ये मानो। क्योंकि अगर अभी लॉन्च होती है तो जो लोग अभी इस वक्त ब्रेजा लेने की सोच रहे हैं, ग्रांड विटारा लेने की सोच रहे हैं, वो लोग इस गाड़ी को ही लेंगे। तो ये मानो कि फ्रंट से आप देख रहे हो इसमें DRL आपको काफ़ी बड़े कर दिया आगे की तरफ से भी इस बार, और इसमें शायद हाँ शायद नहीं, इस बार इस इन्होंने 360 कैमरा भी इसमें इन्होंने दे दिया, काफ़ी बड़ी बात है। एंड आगे की तरफ इसके जो फॉग लैंप वगैरह वो भी काफ़ी शानदार डिजाइन में लग रहे हैं, एंड जो इसके HID हेडलैम्प्स है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके के अपने को देखने को मिल रहे हैं। बाकी पहले की जो गाड़ी थी उसमें सेम 16-17 इंच की जो टायर आने वाले थे वही इसमें मिलने वाले, लेकिन हल्के फुल्के जो रिम के जो अलॉय व्हील्स हैं उनकी डिजाइनिंग में काफ़ी कुछ इन्होंने हल्का सा बदलाव किया। आगे की तरफ देखेंगे तो अपने सिल्वर कलर की जो फिनिशिंग मिलने वाली है, एंड जो लुक है गाड़ी का नए लोगों के साथ में बिल्कुल शानदार लग रहा है, और इसकी जो रूफ है व्हाइट कलर में ब्लैक कलर में सेम जैसे वो रेंज रोवर गाड़ी हो ऐसा लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे तरफ बात करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट से भी आप देख सकते हो गाड़ी को, गाड़ी फ्रंट से भी आपको कुछ इस तरह से लगने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया और अच्छी तरह से बात हो जाती है, मानो कि बेहतरीन तरह की गाड़ी लगने वाली है। लेकिन जो इसमें सामने की जो फ्रंट ग्रिल है ये आपको ब्लैक फियानो फिनिश के साथ में मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे की तरफ देखोगे नीचे नीचे तो आपको वहाँ पर सिल्वर कलर की बेजिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि शायद हो सकता है कि एसेसरीज का पार्ट हो, बाकी फिर भी काफ़ी शानदार लग रही है गाड़ी। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो साइड में से और देख लेते हैं अपने इसमें, साइड में से अपन देखना चाहिए तो अपने को इसमें इसी के जो हैंडल डोर है सेम अपने को इसी के कलर में मिलने वाले हैं, अपने इसमें कोई सिल्वर कलर की बेजिंग अपने को इसमें नहीं मिलने वाली, वही रिक्वेस्टिंग सेंसर इसमें टॉप मॉडल में आपको देखने में मिल जाएंगे। पीछे की तरफ से देखें दोस्तों थोड़ा साइड में से गाड़ी का लुक काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम लग रही है, और हकीकत में शानदार गाड़ी लग रही है ये गाड़ी। अगर मानो कि अभी निकलती है ना तो और गाड़ियों की तो मार्केट जरूर जरूर गिरने वाली है मेरे हिसाब से। आई थिंक ये दीपावली समथिंग यानी अक्टूबर और नवंबर के समथिंग अपने इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। आई होप दोस्तों गाड़ी पसंद आई होगी, और आप कमेंट करके बताइए कि गाड़ी में कौन सा क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। बाकी मुझे स्पेशली बात कराऊँ तो पीछे की तरफ से काफ़ी शानदार ये गाड़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।